Good morning, everyone. Today we are going to discuss JEE Main 2020 9th January evening shift paper. And myself Chand Prakash, and I discuss mathematics part of this portion. चलिए देखिए, first question जो है कुछ इस तरह से है. We have 10 different balls. तो हमारे पास 10 balls हैं, सभी different हैं, right? और 4 different boxes हैं. ये ball इस boxes में हमको put कर दिए. तो अगर हम total तरीके count करें, right? तो देखिए, हर ball के लिए मेरे पास 4 possibilities हैं. उसको चारों में से किसी भी box में हम put कर सकते हैं. तो ऐसे देखा जाए तो सभी ball के लिए हमारे पास possibility हो जाएगी 4 to the power 10, right? अब हमें probability निकालनी है that two of these boxes contain exactly 2 and exactly 3 balls, right? तो देखिए, ये कैसे करेंगे हम. सबसे पहले क्या करिए, जो 4 boxes हैं हमारे पास, उसमें से कोई एक box हम select कर लेते हैं, and it can be done by 4C1 ways, right? और जो 10 ball हैं, इनमें से कोई भी 2 ball हम select कर लेते हैं, और वो selected ball इस box. तो 10 ball और 4 boxes हमारे पास हैं, तो हम first of all 4 boxes में से एक box select कर लेते हैं by 4C1 ways, 10 में से 2 ball select कर लेते हैं by 10C2 ways, और ये ball हम इस box में डाल देते हैं, right? अब आगे बढ़ते हैं. अब मुझे एक box और choose करना पड़ेगा. अब हमारे पास 3 box बचे हैं, एक और choose कर लिया उसमें से. बची हुई 8 ball में से अब हम 3 ball और choose कर लेते हैं, और वो इस बॉक्स में पुट कर देते हैं. तो अब मेरे पास एक बॉक्स में 2 बॉल हो गई, एक बॉक्स में 3 बॉल हो गई. अब हमारे पास टोटल बॉल बची है 5 और बॉक्स बचे हैं 2, तो उनको हम रैंडमली अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 power 5, क्योंकि हर बॉल के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे. तो कुल मिलाकर के ये इसका फेवरेबल केसेस हो गए, ये टोटल केसेस हो गए. तो इनका जो रेशियो है, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन यू फाइंड 945 divided by 2 power 10. तो right answer of this question is 4th. चलिए next question की तरफ चलते हैं. Okay, तो question number 2. Function से लिया हुआ question है. देखिए, अपने को given है f of g x, यानी f of g x is an identity function. यानी f of g x किसके बराबर आएगा? x के. अब मुझे g dash a का वैल्यू गिवन है, g of a का वैल्यू गिवन है, f dash b निकालना है. बहुत सिंपल है, यूजुअल क्वेश्चन है. हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो देखिए, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें बाय यूजिंग चेन रूल, ये क्या बनेगा? f dash of g x एंड g dash x, एंड दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1. अब मुझे f dash b निकालना है, देखिए, राइट? और जी ए का वैल्यू बी है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, लेट वी पुट एक्स इक्वल टू ए. तो जैसे आप एक्स का वैल्यू ए पुट करोगे, यहाँ आपको मिलेगा एफ डैश ऑफ जी ए, और जी ए का वैल्यू है बी, तो एफ डैश ऑफ बी. यहाँ मिलेगा जी डैश ऑफ ए, जी डैश ऑफ ए अपने को 5 गिवन है यहाँ पे, तो ये 5 हो गया, सामने 1 हो गया. तो यहाँ से आपको एफ डैश बी का वैल्यू मिला, एंड विच इज इक्वल टू 1/5. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, सेट थ्योरी से है. ए इज अ सेट विच कंटेन ऑल रियल नंबर सेटिस्फाइंग मॉड एक्स लेस देन 2. तो देखिए, यहां से हम जानते हैं कि मॉड एक्स लेस देन 2, अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूं, ये -2 और ये +2, इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे, नॉट इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स, इसके बीच में जितने भी नंबर है वो सब के सब सेट ए को सेटिस्फाई करेंगे. सेट ए के एलिमेंट हो गए. अब आते हैं, देखो, सेट बी पे. सेट बी में देखिए, ये इनइक्वलिटीज है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम पहले. मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी एक्स माइनस 2 कैसा होना चाहिए? दैट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू -3, और एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. तो यहाँ से आपको मिला कि एक्स या तो छोटा होना चाहिए -1 से, या फिर x बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 5 के. यानी नंबर लाइन पे अगर हम देखें, तो यहाँ कहीं -1 आएगा और यहाँ कहीं 5 आना है. तो जो सेट B है,
उसमें इंक्लूडिंग 5 ये वाले सारे एलिमेंट हो गए और इंक्लूडिंग -1 ये वाले सारे एलिमेंट हो गए. अब इसके बेसिस पे मुझे ऑप्शन बताने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं बी माइनस ए. देखिए सेट बी में से सेट ए के एलिमेंट अगर हम हटा देते हैं तो बी में से देखिए ये वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर यानी कि बी माइनस ए आपके पास बचेगा माइनस इन्फाइनाइट से -2 तक. करेक्ट, -2 इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे -2 नहीं है. यूनियन और ये 5 से इन्फिनिटी तक. तो देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R माइनस पूरा रियल नंबर सेट में से ये बीच वाले एलिमेंट अगर हम हटा देते हैं तो R में से अगर हम हटा दें -2 से 5 तक के एलिमेंट तो वो सेट B माइनस ए हो गया और यही अपने को यहाँ गिवन है. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. सो नाउ देयर इज नो नीड टू चेक अनदर ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन है और एक्स कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन एक्स साइन थीटा इसकी पावर में यहाँ पे 16 अपने को गिवन है. राइट, और हमें L1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी हमें टर्म काउंट करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो. अब देखिए जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि हमें जो टर्म मिलेगी उसमें फर्स्ट टर्म की कुछ पावर होगी और सेकेंड टर्म का भी कुछ पावर होगा. राइट, और वो पावर इस तरह से होगी कि दोनों पावर का सम 16 आना चाहिए. और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे x से इंडिपेंडेंट टर्म मिले तो ये x कैंसिल आउट होने चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे दोनों का पावर 8 हो जाएगा और उस केस में इसका जो कॉफिशियंट है वो हो जाएगा 16c8. तो ये टर्म होगी जो x से इंडिपेंडेंट होगी. सिंप्लीफाई करें अगर इसको देखें तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे. आपको जो मिलेगा टर्म वो हो जाएगा 16c8 और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 / sin 2θ. साइन 2θ का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, उसकी पावर 8 ऐसा कुछ हो गया. अब इस टर्म का लीस्ट वैल्यू जो है वो है L1. कब? जब हम x का वैल्यू लेते हैं, थीटा का वैल्यू लेते हैं π/8 से π/4 के बीच में. देखिए अगर थीटा π/8 से π/4 है ना तो 2θ जो होगा अपना वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? π/4 से π/2 के बीच में. और आप जानते हो ऐसे में साइन की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली इस डोमेन में इंक्रीज करेगी. राइट, तो इसका लीस्ट वैल्यू हमें तब मिलेगा जब हमको हम इसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा यहाँ पर जब 2θ होगा π/2, यानी कि L1 होना चाहिए. 2θ π/2 ले रहे हैं तो ये 1 हो गया. सो यू गॉट 16c8 इंटू 2 पावर 8. ये 2 पावर 8 है यहाँ पर. सिमिलरली सेकेंड बात करते हैं, जब थीटा की वैल्यू इस रेंज में है ना तो 2θ हमारे पास कितना हो जाएगा? 2θ हो जाएगा π/8 से लेकर के π/4 तक. और आप जानते हैं कि इस रेंज में भी साइन इंक्रीजिंग है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू यहीं आएगा. तो इसलिए L2 का वैल्यू यानी इस रेंज में इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब साइन 2θ में 2θ π/4 होगा. तो यहाँ π/4 डालेंगे अगर हम तो ये बन जाएगा 1/√2. राइट, और ये ऐसे लिखा जाएगा कुछ 16c8 और देखिए 2√2 पावर 8. करेक्ट, अब अपने को यहाँ कैलकुलेट करना L2 / L1. तो अगर आप इनको डिवाइड कर देते हैं 16c8 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, √2 पावर 8 बचेगा. √2 पावर 8 जिसको सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 16. सो द राइट आंसर इज 16:1. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम है. fx अपने को गिवन है और f(50 - 15) का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है. यहाँ एक कंडीशन भी हमें गिवन है. देखो a - 2b + c का वैल्यू 1 है. तो इस कंडीशन को यूज कर सके हम, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट में R1 के प्लेस पे हम लोग कर रहे हैं R1 - 2R2 + R3. करेक्ट, तो इससे बेनिफिट देखिए क्या होगा. यहाँ देखिएगा x 2x और ये x, इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा.
a माइनस टू बी प्लस सी बनेगा और जिसका वैल्यू गिवन है 1, यानी यहाँ बनेगा 1. अगर आप यहाँ देखें x भी कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर भी कैंसिल हो जाएंगे तो आपको 0 0 मिल जाएंगे ऐसे. और ये हो गया x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2 और x प्लस 3. ये एफ एक्स हो गया है करेक्ट. एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ और कर लेते हैं हम इसमें. C2 के प्लेस पे मैं कर देता हूँ C2 माइनस C3. तो उससे क्या होगा देखिए, इस प्लेस पे यहाँ अपने पास x प्लस 3 था तो ये कैंसिल होकर यहाँ 1 बचेगा, या x प्लस 4 था तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बच जाएगा ऐसे. तो ये हो जाएगा एफ एक्स. अब अगर अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दो जीरो आ चुके हैं यहाँ पे, तो बहुत इजीली इसकी वैल्यू होगी दिस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एंड विच इज इक्वल टू 1. तो एफ एक्स का वैल्यू 1 होगा चाहे एक्स कुछ भी हो. सो द राइट आंसर इज 4, एफ ऑफ 50 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको 3 इक्वेशन गिवन है और इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करना है. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं. हम बहुत सिंपल एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम एलिमिनेट कर दें जगह जेड को. बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ना. दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10x प्लस 10y इक्वल टू 0, यानी सिंप्लीफाई करने पर x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये मिल गया राइट. ऐसे ही चलिए हम इन दोनों से भी जेड को एलिमिनेट कर लेते हैं और उसके लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो यहाँ भी ये 9x हो गया, ऐड हो गया 10x प्लस 10y और इक्वल टू 0. यानी देखिए यहाँ से भी हमको यही इक्वेशन मिल रही है, x प्लस y इक्वल टू 0 राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी. x और y में एक रिलेशन मिल गया कि x किसके बराबर है, माइनस y के. इस रिलेशन को आप किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट कर दे, जैसे यहाँ पुट कर देते हैं एक्स का वैल्यू माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3y माइनस 6z बराबर 0. सिंप्लीफाई करने पे वाई बराबर आ गया माइनस 2z, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू होना चाहिए 3z के बराबर. सॉरी, यहाँ देखिए वाई का वैल्यू माइनस 2z है तो माइनस वाई हो गया 2z. तो इस तरह से हमें एक्स वाई जेड का रेशियो यहाँ से मिल सकता है और इस रेशियो को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ होंगे. तो राइट आंसर है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, तो इन दोनों में से करेक्ट होगा. अब यहाँ देखिए, यहाँ वाई बराबर 2z है तो ऑब्वियसली बात तो गलत हो गया, एक्स इक्वल टू 2z यही सही आंसर है. सो सेकेंड इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा मिक्स है. इस सीरीज को अगर आप समझिए ढंग से तो ये आपको एक जीपी दिखाई देगी राइट. इसका फर्स्ट टर्म क्या है, व्हेन यू पुट एन इक्वल टू 0 तो अपने को 1 मिलेगा राइट. नेक्स्ट टर्म है माइनस 10 square theta, यानी जीपी है इनफाइनाइट टर्म की, जिसका जो कॉमन रेशियो है वो माइनस 10 square theta है. आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, आपको इस तरह की टर्म मिलेगी. एंड सो ऑन करेक्ट. तो इसका सम अगर हम करें तो 1/1 माइनस कॉमन रेशियो, यानी माइनस 10 square theta, तो यहाँ बन जाएगा प्लस 10 square theta. 1 प्लस 10 square theta हम जानते हैं sec square theta होता है, तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं cos square theta. अब अगर हम बात करते हैं y की, तो ये भी देखिए ये भी gp है राइट, और इसका फर्स्ट टर्म 1, और इसका अगर आप कॉमन रेशियो देखें तो वो है cos square theta. इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, ये हो गया देखिए 1/sin square theta करेक्ट. अब हमें एक्स वाई में रिलेशन चाहिए तो थीटा को एलिमिनेट करना होगा. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको यूज़ कर लेते हैं हम. साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1/y, ये हो गया एक्स और इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स. तो ये रिलेशन है एक्स और वाई में. अब इसको अगर हम मैच करते हैं तो आप पाएंगे ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही ऑप्शन है.
next question. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन से. एक्स और वाई हमें गिवन है थीटा की फॉर्म में और डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमको कैलकुलेट करना है. तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हम करेंगे. सबसे पहले हम देखिए डी एक्स बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, टू कॉस थीटा राइट एंड माइनस टू टाइम्स कॉस टू थीटा. तो 2 कॉमन लेके इसको हम ऐसे लिख देते हैं. इसमें अब मैं cos c माइनस cos d वाला फार्मूला लगा लेता हूँ. तो cos c माइनस cos d अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ यानी कि 4 टाइम sin ऑफ c प्लस d बाई टू एंड sin ऑफ d माइनस c बाई टू. तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थीटा बाई टू ये टर्म आएगी. ऐसे ही अब हम dy बाई d थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं राइट. तो वो हो जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना हम, इसका करेंगे तो आएगा माइनस टू साइन थीटा. तो टू यहाँ लिख देता हूँ मैं और माइनस साइन थीटा ये टर्म हो गई. ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा प्लस के टू साइन टू थीटा. तो जब टू कॉमन ले लेंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है. और यहाँ भी अब साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर देते हैं हम, तो अपने को मिलेगा फोर कॉस थ्री थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू. तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करें तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. तो सिंपली इसको इससे डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा कॉट थ्री थीटा बाई टू. तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया. अब कैलकुलेट जो हमको करना है वो है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू. देखिए हम लोग जानते हैं कि ये डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होता है. अब यहां जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स है ये कितना है, कॉट थ्री थीटा बाई टू. तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, अब यहां देखिएगा ध्यान से, डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां अब हम चेन रूल यूज करेंगे. और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो आपको मिलेगा माइनस थ्री बाई टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और फिर कॉसेक स्क्वायर थ्री थीटा बाई टू सॉरी और फिर डिफरेंशिएशन होगा थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी थीटा बाई डी एक्स. डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू अपन यहां से पुट कर सकते हैं. देखिए ये डी एक्स बाई डी थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो अपने को ऐसा मिलेगा कुछ माइनस थ्री बाई टू कॉसेक स्क्वायर थ्री थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय फोर टाइम साइन थ्री थीटा बाई टू एंड साइन थीटा बाई टू. तो ये रिलेशन अपने को फाइनली मिल गया है. अब हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब थीटा की वैल्यू पाई हो, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू आपको बताना है वैन थीटा इज इक्वल टू पाई. तो देखिए थीटा की वैल्यू अगर हम पाई यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसको अगर आप कैलकुलेट करें, बहुत इजी है, ये साइन पाई बाई टू हो गया विच इज़ वन, इट विल बिकम साइन थ्री पाई बाई टू विच इज़ माइनस वन. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे राइट. और यहाँ कॉसेक थ्री पाई बाई टू वो भी वन होता है तो कुल मिला के थ्री बाई टू और ये फोर यहाँ बचा तो सब मिला के हो गए भाई थ्री बाई एट. तो इसका राइट आंसर है थ्री बाई एट. लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो किसी भी ऑप्शन में थ्री बाई एट नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन डेफिनेटली या तो बोनस होना चाहिए या कैंसिल होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, रेंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आपको इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, चूंकि सारी एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो अगर मैं सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज करता हूँ तो मुझे वन मिलना चाहिए, यानी कि के स्क्वायर प्लस टू के प्लस टू के प्लस फाइव के स्क्वायर, इसका वैल्यू आना चाहिए हमारे पास वन. इसको सिंप्लीफाई करें तो सिक्स के स्क्वायर प्लस फाइव के माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा मिला हमें. फैक्टर करें अगर इसके तो इसके देखिए दो फैक्टर हम कर लेते हैं और वो क्या हो जाएंगे, एक फैक्टर हो जाएगा सिक्स के
k और plus 1 और minus 1 equal to 0. यानी यहाँ से आपको k का वैल्यू मिलेगा 1 by 6 और minus 1. तो minus 1 तो हम ले नहीं सकते ना, क्योंकि probability negative नहीं होती है. So the only possible value of k is 1 by 6. अब बात करते हैं जो probability हमको calculate करनी है. Probability calculate करनी है मुझे जब x का value बड़ा होगा 2 से. So that is equal to. अब या तो आप क्या करिए, 3, 4, 5 तीनों की probability निकाल के add कर लीजिए, या फिर ऐसी करिए 1 में से subtract कर दीजिए probability जब x का value 1 हो और x का value 2 हो, क्योंकि हमें 1 और 2 वाली probability नहीं चाहिए, राइट तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो 1 माइनस इस केस में probability है k square और इस केस में probability है 2k. अब अगर यहाँ k का value put कर देते हैं तो ये हो गया 1/36 और ये हो गया 2/6. LCM ले लेते हैं, चलिए 36 सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 माइनस 1 और माइनस के 12, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे, सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 23/36. सो द राइट आंसर इज सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है. लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम 0 to 5 से आर में डिफाइन है, कंटिन्यूस है, f1 अपने को गिवन है, कैपिटल एफ और स्मॉल जी भी हमको गिवन है. आइए देखिए, बात शुरू करते हैं यहाँ से सबसे पहले, राइट. जी टी अपने को गिवन है ये फंक्शन, और ये एफ ऑफ एक्स भी गिवन. अपने को कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल एफ के लिए ये देखना है कि एक्स इक्वल टू 1 मिनिमा का पॉइंट है या मैक्सिमा का पॉइंट है. तो चलिए इसके लिए मिनिमा मैक्सिमा चेक करने के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल एफ डैश एक्स, राइट. तो अगर मैं एफ डैश एक्स कैलकुलेट करता हूँ तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर और जी एक्स, राइट. और ये चेक करने के लिए कि इस पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, अपने को एफ डबल डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा. तो हम एफ डबल डैश एक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं और ये हो जाएगा 2x इंटू जी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जी डैश ऑफ एक्स. अब देखिए एफ डैश 1 क्या है, एफ डैश 1 हो जाएगा यहाँ से जी 1 के बराबर, राइट. और एफ डबल डैश 1 क्या है, ये बराबर हो गया 2 टाइम जी 1 प्लस जी डैश 1. अब जी 1 कितना है ये जानने के लिए आप यहाँ पे टी का वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो 1 से 1 में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, तो इसलिए जी 1 का वैल्यू 0 है. तो एफ डैश 1 के 0 आने का मतलब ये हो गया कि 1 जो है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो होगा ही होगा. अब वहाँ मैक्सिमा है या मिनिमा है ये चेक करने के लिए इसका साइन हमको देखना पड़ेगा. यहाँ भी अगर मैं जी 1 का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो ये 0 हो गया. अब सबको डिपेंड करेगा जी डैश 1 पे, तो इसके लिए हम इधर जी डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. जी डैश एक्स आएगा इसके डिफरेंशिएशन से, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए कितना आएगा अपने पास एफ ऑफ एक्स. तो जी डैश 1 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू के, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू जो है वो अपने को गिवन है 3, तो ये बराबर हो गया है 3 के, तो यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी प्लस 3. तो फाइनली सेकेंड डेरीवेटिव 3 आ रहा देखिए, जो कि पॉजिटिव है. तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है 1 पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा आना चाहिए. सो द राइट आंसर इज x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, द क्वेश्चन नंबर 11 इज लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ अ जीपी. तो एक जीपी की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं जीपी का फर्स्ट टर्म तो है a और कॉमन रेशियो मान लेते हैं अपन r. अब देखिए ये क्या है ना, इसमें अपने को n का वैल्यू 1 से लेके 100 तक रखना है. तो आप a का वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको मिलेगा a3. तो ये बेसिकली a3 प्लस a5 प्लस a7 ऐसे ऑड टर्म का सम है, राइट. तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे a3, तो a3 क्या बन जाएगा a और r स्क्वायर, राइट. प्लस अगला टर्म होगा a5 विच कैन बी रिटर्न a r पावर 4. तो अपन वहाँ से इन सबसे कॉमन ले सकते हैं ए आर स्क्वायर, उसके बाद ये टर्म आपको ऐसे दिखाई देगी. नेक्स्ट टर्म जो होगी वो ए आर पावर 6 है, तो उसमें से कॉमन आने के बाद बचेगा आर पावर 4. तो ऐसे करके टोटल हमारे पास
कितनी टर्म बन जाएगी, 100 टर्म. तो आप इमेजिन कर सकते हैं लास्ट टर्म क्या होगी, आर पावर 198, और ये वैल्यू अपने को गिवन है 200 के बराबर. दिस इज गिवन एज 200. सिमिलरली इसको अगर हम देखें तो इसमें जब एन का वैल्यू 1, 2, 3 पुट करेंगे तो हमको A2 प्लस A4 प्लस A6 ये वाली टर्म मिलेगी. तो A2 क्या होती है अपने पास, वो होती है AR, राइट. A4 क्या होता है, AR क्यूब. तो यहाँ से भी AR अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R पावर 4 ये सीरीज बचेगी अंदर, और कहाँ तक, वही 100 टर्म है, तो इसमें भी लास्ट टर्म बनेगी R पावर 198 इज इक्वल टू कितना गिवन है, ये 100 हमको गिवन है ऐसे. चलिए अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम A और R निकाल लेते हैं. तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सीधे सीधे डिवाइड ही कर देता हूँ इस इक्वेशन को यहाँ पे, तो हमको A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ R बचेगा और सामने आएगा 2. यानी इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको R का वैल्यू मिल रहा है 2, करेक्ट. अब R का वैल्यू 2 अपन किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं और वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं A का वैल्यू. तो देखिए R का वैल्यू 2 जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो कैंसिल आउट होकर वहाँ 50 हो जाएगा. तो A का वैल्यू आएगा 50 टाइम्स, और ये सीरीज बन गई पूरी एक, राइट. ये भी जीपी है, 100 टर्म है, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है. तो अगर हम इसका सम करें तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा इधर, तो इधर अपने को डिवीजन में क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट टर्म तो 1 हो गई, कॉमन रेशियो कितना है 2 स्क्वायर यानी 4. तो यहाँ आएगा 4 पावर 100 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 विच इज 3. एक बार चलिए 4 माइनस 1 ही लिख देते हैं, तो ये 3 हो गया. ऊपर जाके ये कुल मिला के ऐसा बन जाएगा 150 और 4 पावर 100 माइनस 1. तो ये A का वैल्यू है. अब जो कैलकुलेट करना उस पर आते हैं. देखिए कैलकुलेट करना है सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के 200 तक और An का वैल्यू. तो ये सिंपली GP की कंटिन्यूसली फर्स्ट 200 टर्म का सम है. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी शुड राइट A और R पावर 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1. यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, A का वैल्यू हो गया 150 डिवाइडेड बाय 4 पावर 100 माइनस 1, और R का वैल्यू 2 है तो 2 पावर 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1. देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पावर 100 2 पावर 200 बराबर होता है, ये 1 हो गया. तो फाइनली आंसर आया 150. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया हुआ है. एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को गिवन है, सिंप्लीफाई करना है. आप इसको ध्यान से देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इसको y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं इसको सिंपली दोनों साइड देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई और डी एक्स, करेक्ट. अब हम इस टर्म को उधर ले आते हैं, यानी वी कैन राइट इट वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा देखिए एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और नाउ वी विल राइट इट डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर और एक्स. तो अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये जो टर्म लिखी हुई देखो, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई, करेक्ट. और इधर डी वाई अपने पास, यहाँ एक्स है. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, मैं दोनों साइड वाई से डिवाइड कर देता हूँ. और अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन जो अपने को मिलेगा दोस्तों, वो है लॉग वाई, राइट. ऐसे यहाँ पे देखिए, अगर इसको टी माने तो ये टी डी टी हो गया, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, यानी कि आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू टाइम वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट अपन ले लेते हैं सी. तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है. अब अपने को एक इनिशियल कंडीशन गिवन है कि वेन एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज ऑल्सो इक्वल टू वन,
तो आप इसमें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1 पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, log 1 ये तो हो जाएगा 0, यहाँ हो गया हाफ प्लस c, तो c का वैल्यू यहाँ से आया अपने पास माइनस हाफ, यानी log y बराबर हो गया x स्क्वायर बाई 2 टाइम y स्क्वायर माइनस हाफ के। कैलकुलेट क्या करना है हमें, y x का वैल्यू निकालना है जब y का वैल्यू e हो, तो लेट वी पुट y इक्वल टू e, तो y इक्वल टू e अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, log e विल बिकम 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 टाइम e स्क्वायर और ये हो गया माइनस हाफ। देखिए यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ये टर्म इधर आ जाएगी, 3/2 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर का वैल्यू आपको मिलेगा 3e स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस रूट 3e अपने को मिलती है, तो ये आंसर अपना करेक्ट है, सो द राइट आंसर इज सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है, इस इक्वेशन के रिपीटेड रूट है, तो मैं मान लेता हूँ कि इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा और अल्फा, ऐसे बोला इन्होंने, और ये जो अल्फा इट इज आल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का रूट है अल्फा एंड बीटा इज अदर रूट, तो दूसरा रूट इसका बीटा है, करेक्ट, और अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए अगर हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं तो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी और अल्फा बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैलकुलेट जो मुझे करना है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा। अब ये वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो आएगा 2b, यानी ये टर्म हो गई 4b स्क्वायर, करेक्ट, 2 अल्फा बीटा की टर्म। यहाँ से अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट है माइनस 10, तो ये हो गया प्लस 20। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब मेरे को पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो चलिए अब इसको यूज़ करते हैं जरा हम। इस इक्वेशन में अगर हम सम ऑफ रूट लगाएं तो दोनों रूट का सम करोगे तो मिलेगा 2 अल्फा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ रूट यहाँ से आ रहा है देखो 2b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करें अगर हम यहाँ पे तो आता है अल्फा स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से आ रहा है 5/a। देखिए मुझे ना बी की वैल्यू चाहिए, राइट, तो हमें ए से कोई मतलब नहीं है, तो हम कैसे भी करके ए को एलिमिनेट कर देते हैं और बी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ से देखो अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिलती है, और वो कितनी मिलेगी हमें अल्फ़ा की वैल्यू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड करोगे ए कैंसिल होके 5/b, तो अल्फ़ा की वैल्यू बनी 5/b। अब यहाँ से आते हैं, देखिए यहाँ से मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा पता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है अपना वो कितना आया था 2b, करेक्ट, तो अगर मैं ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करके बीटा कैलकुलेट करता हूँ तो वो हो जाएगा 2b माइनस 5/b, करेक्ट। अब इसी तरह से मुझे यहाँ से ये भी पता था कि अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो कितना आया था माइनस 10, तो ये अल्फ़ा बीटा यहाँ रख देते हम, तो 5/b मल्टीप्लाई विद 2b माइनस 5/b दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस 10, ये रिलेशन अपने को मिल गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो यहाँ बनेगा 10 माइनस 25/b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। तो दोस्तों यहाँ से आपको बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और कितनी होगी, ये उधर चला गया, इधर बन जाएगा 20 और सामने होगा 25/b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया 25/20 यानी के 5/4। अब ये वैल्यू आप यूज कर लीजिए यहाँ पे, तो 4b स्क्वायर का वैल्यू जो है अपने पास वो कितना हो गया 5, और 20 ये है ही, तो इस प्रकार से आंसर आया 25। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25, यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से है, तो इसको समझते हम। लेट वी टेक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मुझे जो गिवन है ना रियल जेड प्लस इमेजनरी जेड का मॉड, यानी मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 4, ऐसा मेरे को गिवन है।
तो ऐसे बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, तो अगर हम इनका लोकस प्लॉट करने की कोशिश करें, ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया या एक्स वाई प्लेन हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा, एक्स वाई पॉजिटिव होंगे तो दोनों मोड हट जाएंगे और आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर ये लाइन मिलेगी। तो इस लाइन को अगर आप प्लॉट करें तो एक लाइन मिलेगी आपको ऐसे, राइट। ये पॉइंट हो गया 4, 0, ये 0, 4 हो गया। अब इसका जो ग्राफ है ये देखिए, फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाई की जगह माइनस वाई डालने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसी की रिफ्लेक्शन ले ली हमने चारों तरफ। तो ये लोकस है जेड का, जेड जो पॉइंट है अपना वो इस पे कहीं भी हम उसको ले सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए मॉड ऑफ जेड कैन नॉट बी, ज्योमेट्रिकली देखो मॉड ऑफ जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड की, ये पॉइंट अगर जेड है तो जेड की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है ये दूरी मॉड ऑफ जेड है। अब सोचिए जब जेड इस पे मूव करेगा ऐसे तो इसकी ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो मॉड ऑफ जेड, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, जब जेड यहाँ पे होगा या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ऐसे में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी 4। तो मॉड ऑफ जेड जो अपना वो हमेशा 4 या 4 से कम ही होगा, राइट। और मिनिमम कितनी होगी, तो इस लाइन पे जब ये मूव करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी जो हम 0 से 0, 0 से इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ऐसे, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, इस लाइन पे 0, 0 से परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए, तो वो आएगा देखिए 0 + 0 - 4 मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1² + 1² आई होप ये सबको पता होगा आपको फॉर्मूला, और इट विल बिकम 4/√2 यानी कि 2√2। तो ये वैल्यू जो है अपनी मॉड जेड 2√2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, राइट। यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हो जेड स्क्वायर जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा होना चाहिए। तो अब इन चारों ऑप्शन को अगर हम देखें तो देखिए ये √8 है तो ये तो पॉसिबल वैल्यू है। यहाँ देखिए ये अंडर रूट में कितना लिखा 17/2, ये भी 8 से बड़ा हो गया, करेक्ट। तो जेड स्क्वायर का ये वैल्यू भी पॉसिबल होगा। और अगर हम ये सीधे आते हैं यहाँ आते हैं देखिए, है ना, ये वैल्यू देखिए, ये मॉड जेड है √7 और ये वैल्यू जो है ये √8 से छोटी हो गई, यानी कि मॉड जेड √7 के बराबर नहीं हो पाएगा। तो ये है पॉसिबिलिटी जो पॉसिबल नहीं है, सो द राइट आंसर इज 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और यहाँ देखिए लिमिट हमको कैलकुलेट करनी है, एक x → 0 x, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x, इसको मैं लिख लेता हूँ 4/x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4/x, करेक्ट। सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाएगा लिमिट x → 0 4 - x × fraction part of 4/x। अब देखो अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 4/x एक इन्फाइनाइटली लार्ज टर्म होगी, लेकिन इसका फ्रैक्शन पार्ट डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो ये जो टर्म है दैट इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, 1 भी नहीं होगा ना, जबकि ये और ये इट विल टेंडिंग टू 0। तो कोई भी स्मॉल सी टर्म है और ये टेंस टू 0 टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 0, तो आपको मिलेगा केवल 4 यहाँ पे। तो भाई ए का वैल्यू हो गया है 4। तो ये देखते हैं हम कहाँ काम आता है ऑप्शन मैच करने में। आगे चलते हैं, आगे अब एक फंक्शन की बात की गई है और फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² × sin πx इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल टू, कि ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये हमको देखना है। देखिए बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें ये एक्स स्क्वायर जब भी इंटीजर बनेगा, आप 0 को छोड़ दीजिए तो 1 पे 2 पे 3 पे और भी जब जब ये इंटीजर बनेगा सब जगह ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। इधर साइन पाई एक्स है ये सब जगह कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये 0 बन गया और उस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी है, राइट, तो प्रोडक्ट इनका कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी ये टोटल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तभी बनेगा जब क्या हो कि एक्स स्क्वायर तो इंटीजर हो मेरे पास और इंटीजर भी प्लस वाला है ना, अपने को सारे प्लस वाले इंटीजर ही कंसिडर करने, और ये साइन पाई एक्स 0 नहीं होना चाहिए, साइन पाई एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखो साइन पाई एक्स है तो अगर एक्स का वैल्यू इंटीजर हुआ तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे तो साइन 0 होता ही होता है। तो इससे मुझे समझ में आता है कि एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए।
तो x स्क्वायर तो इंटीजर होना चाहिए लेकिन x इंटीजर नहीं होना चाहिए. तो कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो अगर मैं a का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ये बन गया देखो 2, राइट. तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो इंटीजर हो गया. x ये 4 यहाँ डालेंगे तो ये बनेगा √25 यानी कि 5, तो ये पॉसिबिलिटी भी कैंसिल. जब मैं ये पुट करूँगा 4 यहाँ पे तो ये बनेगा √5. अब देखो √5 इंटीजर नहीं है लेकिन इसका स्क्वायर करने पे इंटीजर आता है, तो यही अपना सही आंसर है. ये आप अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये 3 बनेगा, तो वो इंटीजर हो गया तो उसको नहीं लेंगे. सो द राइट आंसर इज 3rd, a+1√. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गिवन fx इज इक्वल टू दिस, gx इज इक्वल टू दिस, देन एरिया आपको पता करना है बाउंडेड बाय दीज टू कर्व बिटवीन दीज टू लाइन. देखिए अगर हम इस कर्व को ड्रॉ करें तो ये कैसा कर्व होगा? ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ही है, बस इसका वर्टेक्स यहाँ आ गया x इक्वल टू हाफ पे. तो ये ऐसा कर्व अपने को मिलेगा, दिस इज x इक्वल टू हाफ, राइट. अच्छा मुझे जहाँ बात करनी है उसकी बात करते हैं. देखो अपने को x इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू √3/2 के बीच में बात करनी है, तो इस पॉइंट के इधर क्या होता है उससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है. तो x इक्वल टू हाफ और उससे आगे बात करते हैं. x इक्वल टू हाफ पे fx जो है वो हाफ आ रहा है, तो हाफ पे हाफ आ रहा है भाई fx यहाँ मान लेते हैं. अच्छा यहाँ भी देखो हाफ पुट करने पे हाफ ही आएगा, तो कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी और ये स्ट्रेट लाइन है, राइट. तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, y इज इक्वल टू 1 - x, तो ये डिक्रीज होते हुए और 1 पे ये 0 बन जाएगा ऐसे. तो ये fx का ग्राफ हो गया, राइट. ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं? तो उसके लिए हम 1 - x को इक्वल ले लेते हैं x - 1/2 के स्क्वायर के. इसको सिंप्लीफाई करके हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं कि कितना आता है. देखते हैं क्या आता है. 1 - x इज इक्वल टू x² - x और +1/4. ये कैंसिल आउट हो गया. देखिए तो आपको x का वैल्यू मिला √3/2. ओके तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमको बात करनी है हाफ और √3/2 के बीच में इन दोनों से बाउंडेड एरिया, तो वो ये वाला हो गया. तो अब ये बहुत ही आसान सा हो गया. देखिए ऊपर ये वाला फंक्शन है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हाफ से लेके √3/2 के बीच में, करेक्ट. और किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? अपर फंक्शन यानी 1 - x माइनस लोअर फंक्शन यानी कि x - ½² dx. इस स्क्वायर को अगर आप ओपन कर लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको. ये 1/2, ये √3/2, राइट. यहाँ आएगी टर्म x², तो -x² बचेगा एक. ओके फिर यहाँ एक टर्म आएगी अपने पास -x, जो इससे मल्टीप्लाई होकर +x हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. और एक टर्म बचेगी यहाँ पे 1/4, तो -1/4 यहाँ मिले तो कितना बन गया +3/4 और साथ में dx. तो ये अपने को मिल रहा -x² + 3/4. अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है. और 1/2 से √3/2 आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिएगा और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा √3/4 - 1/3. सो 4th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए एक पैराबोला के बारे में हमको बात करनी है. y² = 8x और ये कह रहे हैं इस पर एक पॉइंट है ए, राइट. और यहाँ पे एक फोकल कॉर्ड है ऐसे, और इस पॉइंट बी पे मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है. ओके तो देखिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम. इस पॉइंट पे ½-2 हमको गिवन है, तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट निकाल लेता हूँ. तो इस पॉइंट पे टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे? t = 0 से. तो t = 0 लगा देते हैं यहाँ के लिए, तो कितना आएगा? -2y = 4 x + ½. तो ये टेंजेंट होगी देखो एट द पॉइंट ए. और इस पॉइंट पे आप देखिए इस टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है, स्लोप जो है इस टेंजेंट का वो कितना आ रहा है? -2, करेक्ट. अब मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बतानी. ये दोनों फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट है, तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी वो कितना होगा, क्योंकि इसका -2 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का 1/2 हो गया. तो मुझे 1/2 स्लोप वाली टेंजेंट लिखनी है. पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन होती है y = mx
plus a by m. तो यहाँ अपने पास y is equal to m का वैल्यू हो गया भाई हाफ x, और a का वैल्यू इस पैराबोला में a का वैल्यू देखिए 2 है, तो प्लस 2 अपॉन हाफ. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा देखिए 2y is equal to x plus 8. तो 2y is equal to x plus 8, तो अपना सही आंसर कौन सा हुआ, 2y is equal to x plus 8. तो फोर्थ इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 18, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस. चलिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये. पी स्टेटमेंट इंप्लाइज पी एंड निगेशन ऑफ क्यू. ये अपने को गिवन है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. देखिए निगेशन, ये इम्प्लीकेशन जो होता है ये फॉल्स केवल एक ही सूरत में होता है, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. तो इससे मुझे ये पता लग जाता है कि स्टेटमेंट पी तो पक्का ट्रू है, और ये जो है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू ये होना चाहिए भाई फॉल्स, करेक्ट. अब इसमें भी पी ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, तो ट्रू एंड माइनस क्यू ये फॉल्स है. देखिए हम जानते हैं एंड तभी ट्रू होता है जब उसके दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, राइट. अब चूंकि ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ट्रू रिजल्ट आ जाएगा. तो इससे पता लगा कि माइनस क्यू जो है वो कैसा होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए. निगेशन क्यू यानी कि क्यू कैसा होना चाहिए, ट्रू. तो भैया पी भी ट्रू होना चाहिए और टू भी क्यू भी ट्रू होना चाहिए. सो द राइट स्टेट राइट आंसर इज फोर्थ, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है यहाँ पे. तो देखिए यहाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आके सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो हम टेन थीटा को टी मान लेते हैं यहाँ पे. तो sec स्क्वायर थीटा जो है डी थीटा के साथ मिलके डी टी बन जाएगा, यानी ये इंटीग्रेशन आपको ऐसे दिखाई देगा डी टी डिवाइडेड बाय टेन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, राइट. टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को टी मान लिया मैंने, प्लस sec टू थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन cos टू थीटा, और cos टू थीटा बन जाता है वन माइनस टी स्क्वायर और वन प्लस टी स्क्वायर. तो ये टर्म अपने को कुछ यहां पे मिल गई. देखिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अपने को मिलेगा एलसीएम हो गया वन माइनस टी स्क्वायर, ये दोनों मिलके देखिए वन प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो कैंसिल आउट होने के बाद आपको मिलेगा ये वन प्लस टी का होल स्क्वायर है, तो नीचे बचेगा वन प्लस टी और ऊपर आएगा वन माइनस टी साथ में डी टी. इसको बड़ी आसानी से दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेते हैं, राइट. इसमें आप वन ऐड कर दीजिए और वन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ बनेगा टू, राइट, और माइनस वन प्लस टी. तो जब सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो टू अपॉन वन प्लस टी माइनस वन इंटू डी टी. ये इंटीग्रेशन अपने को करना है, बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है. दैट इज टू टाइम लॉग ऑफ मॉड वन प्लस टी, और यहाँ पे टी का वैल्यू भी डाल देते हैं चलिए टेन थीटा, माइनस वन का इंटीग्रेशन करोगे टी यानी कि टेन थीटा प्लस सी. तो ये है इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. अब इसको अगर हम यहाँ से कंपेयर करें देखिए, तो टेन थीटा का कोफिशियंट यहाँ लेमडा है, यहाँ माइनस वन है, तो लेमडा की वैल्यू होनी चाहिए माइनस वन, और लॉग टू लॉग वन ये एफ ऑफ थीटा है, तो ये रहा एफ ऑफ थीटा. तो एफ ऑफ थीटा होना चाहिए वन प्लस टेन थीटा हमारे पास. तो देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में, ये रहा सेकेंड ऑप्शन. So the right answer of this question is second. Next question. Okay, the next question is from ellipse. The length of minor axis of an ellipse in the standard form is 4 by root 3. So standard form mein ellipse hai, minor axis iske along hai, to ek tarah se hame 2b ka value bata rahe hain 4 by root 3. To isse b ka value aa gaya hamare paas, which is 2 by root 3. If the ellipse touches the line x plus 6y equal to 8, then its eccentricity is what? Okay, देखिए स्टैंडर्ड एलिप्स हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. ओके, इस लाइन को हम ऐसा लिख लेते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स एक्स प्लस एट बाई सिक्स, एट बाई सिक्स बोले तो फोर बाई थ्री.
तो मैंने इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख लिया है. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन इस वाले इलिप्स को टच करे, उसकी कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस एलिप्स को टच करे उसकी कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अगर ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, देखिए, तो सी स्क्वायर कितना हो गया अपने पास, ये हो जाएगा 16/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ से अगर आप देखें तो 36, और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 16/ बी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 2/√3. एक मिनट रुक जाओ यार, तो कैंसिल ही कर दो. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एलिप्स का क्वेश्चन है और हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स. तो हम जानते हैं माइनर एक्सिस का लेंथ होता है 2b, तो वो गिवन है 4/√3. तो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, और वो कितना होगा, b इज इक्वल टू 2/√3, राइट. फिर इन्होंने एक लाइन दी अपने को विच इज x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, और ये लाइन इस एलिप्स की टेंजेंट है. कौन से एलिप्स की, स्टैंडर्ड एलिप्स, यानी कि x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देखिए, इसकी जनरल टेंजेंट मैं जानता हूँ पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होती है, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट. तो ये भी टेंजेंट है, तो चलिए इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. दोनों टेंजेंट है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, तो कंपेयर करते हैं. तो कैसे कंपेयर करते हैं, कोफिशियंट ऑफ x फ्रॉम हियर cos थीटा अपॉन a डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x फ्रॉम हियर विच इज 1 इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन b, राइट, और ये 6, और इज इक्वल टू ये 1/8, ये मिला अपने को. यहाँ से देखिए cos थीटा की वैल्यू आएगी a बाई 8, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 6b/8, करेक्ट, यानी कि 3/4b, और b का वैल्यू ये रहा 2/√3. तो ये अगर अपन यहाँ पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है 2/√3, अगर आप यहाँ डालेंगे 2/√3 तो आपको मिलेगा √3/2, ये b का वैल्यू आ गया है. नाउ वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये यहाँ पुट करें तो ए स्क्वायर बाई 64 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1. सिंप्लीफाई करने पे देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ये टर्म उधर जाएगी 1/4 हो जाएंगे, तो 60/4 यानी कि 64/4 विच इज इक्वल टू 16. तो ए स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया. अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है. इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - b² / a². तो ये हो गया देखिए अंडर रूट 1 - b², ये रहा 4/3, और ए स्क्वायर हो गया 16, तो 4/3 को आप डिवाइड करेंगे 16 से ऐसे, तो ये कैंसिल होके 1/4 हो गया. तो कुल मिला के अंडर रूट 11/12 आपको मिल गए. 12 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 2√3, तो अपना आंसर हो गया 11/√3, √11/√3. तो थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 21. यहाँ से देखिए स्टार्ट होते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो अपने वो. तो लेट ए बी सी बी थ्री वैक्टर सच दैट दिस एंड द एंगल बिटवीन बी वैक्टर एंड सी वैक्टर इज 5/3. इफ ए वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वैक्टर बी क्रॉस सी देन फाइंड मॉड ऑफ दिस. ओके, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये अपने को कैलकुलेट करना है. देखिए दो वैक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वैक्टर मॉड ऑफ बी क्रॉस सी एंड साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी. अब ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, तो ये हो गया 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को. अब ये बच गया ए का मॉड्यूलस, देखिए क्वेश्चन में गिवन है √3. बी क्रॉस सी को फिर से हम लिख सकते हैं मॉड बी मॉड सी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी.
तो क्वेश्चन में आप देखिए उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो मैं इसको अभी फिलहाल थीटा ही लिख देता हूँ। तो ये हो गया रूट थ्री, मॉड बी का वैल्यू अपने को गिवन है 5। अब मॉड सी कैसे निकालें, तो यहाँ से देखिए कोशिश करते हैं मॉड सी कैलकुलेट करने की। अच्छा, तो ये बी और सी के बीच का एंगल गिवन है सॉरी पाई बाई थ्री, तो यहाँ थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री है, चलिए इसको भी यूज़ कर लेंगे। मॉड सी साइन थीटा पहले इसको लिख देते हैं, दैट इज़ साइन पाई बाई थ्री यानी कि रूट थ्री बाई टू। अब मॉड सी कैसे निकाले, तो एक डेटा और अभी है जो यूज़ करना चाहिए मुझे ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी एंड कॉस थीटा, करेक्ट, ये बराबर होता है मॉड सी के। वी नो दैट बी डॉट सी बराबर होता है मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, तो यहाँ से मॉड सी का वैल्यू हो गया ये, तो मॉड बी का वैल्यू 5 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर कॉस थीटा कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री आएगा हाफ, तो उससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास मिल गया रूट थ्री, ये रूट थ्री मल्टीप्लाई विद दिस रूट थ्री 3, एंड बी डॉट सी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10, तो कुल मिला के आंसर आया जी 30। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है फिर से। देखिए किस तरह की टर्म हमको गिवन है ना, 1, 5, 9 एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका जनरल टर्म हो जाएगा देखिए 4R+1, राइट। आर की वैल्यू 0 डालोगे 1 आएगा, 1 डालोगे 5 आएगा, 2 डालोगे 9 आएगा, यानी ये जो सीरीज अपने को गिवन है इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 4R+1 इंटू एन सी आर, और एन का वैल्यू यहाँ कितना है 25 लेना आपने, 25 CR, ये सीरीज का सम पता करना है। दो पार्ट कर लेते हैं इसके, 4 into σ R into 25 CR प्लस सिग्मा 25 CR, और R की जो वैल्यू है वो है 0 से लेके 25 तक। ओके, तो आई होप ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, R एन सी आर का जो सम होता है वो होता है n into 2 की पावर n-1 के बराबर, और यहाँ n का वैल्यू है 25, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 into 25 into 2 की पावर n-1 यानी 24। ये सिग्मा एन सी आर हो गया, तो इसका वैल्यू था 2 पावर n, तो ये बन गया 2 पावर 25। मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, देखो 2 पावर 25, तो ये 2 पावर 24 यहाँ से चला गया, 1 2 यहाँ से ले लेता हूँ तो यहाँ बचेंगे 50 और यहाँ पे बच जाएगा 1, तो कुल मिला के ये वैल्यू हो गई 51। तो यही बताना हमें 2 पावर 25 का मल्टीपल क्या आएगा इसके आंसर में, और 51। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ दिस कर्व एंड दिस कर्व टच ईच अदर एट अ पॉइंट देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। ओके, इस कर्व को ध्यान से देखिए आप, तो ये एक सर्किल का इक्वेशन है, राइट, और इसका जो सेंटर है वो है 3, 0 पे। तो हम ड्रॉ करें अगर इसको, लिख लेते हैं चलिए पहले, इसका सेंटर है 3, 0 पे और इसकी रेडियस जो है r वो कितनी है, वो हो गई 3² - 8 यानी कि 1। सिमिलरली जो दूसरा सर्किल है C2, उसका जो सेंटर है देखिए वो है 0, 4 पे, है ना, यहाँ से हम देख सकते हैं, और इसकी रेडियस कितनी हो गई 4² - 16+k यानी कि रूट के। तो ये दो सर्किल है और ये बोल रहे हैं दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो k का लार्जेस्ट वैल्यू मुझे बताना है। ज्योमेट्रिकली इसको ड्रॉ करके हम इजीली पता लगा सकते हैं, देखिए ये सर्किल तो पूरी तरह से पता है, तो इसका सेंटर है 3, 0 ये रहा, इसकी रेडियस है 1, तो ये सर्किल हो गया ऐसे, करेक्ट। ये जो दूसरा सर्किल है 0, 4 यहाँ कहीं मान लीजिए ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस है रूट के, और इस सर्किल को इसको टच करवाना है मेरे को, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है देखो, एक तो हम इसको इस तरह से टच करवाएं कि ये सर्किल ऐसे बने तो ये एक्सटर्नली टच करेगा इसको यूँ, और एक केस और है कि इसको थोड़ा और बड़ा करके हम यहाँ पे ऐसे टच करा सकते हैं, करेक्ट। तो ये दो सर्किल पॉसिबल है, तो दोनों में से किस केस में इस सर्किल की रेडियस लार्जेस्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़े वाले केस में लार्जेस्ट है, तो ये रूट के वैल्यू है, तो ये पता करना मुझे कितनी है, तो रूट के का वैल्यू हो जाएगा देखिए
लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए, तो 5 आ गई, 0.4 3.0 के बीच में, और ये इसकी रेडियस है छोटे वाले सर्किल की, वो 1 है, तो ये आंसर हो गया 6। तो रूट के का वैल्यू 6 है, तो के का वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 24, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। ओके, देखिए ये प्लेन तो पूरी तरह से अपने को पता है, तो मान लेते हैं ये प्लेन हो गया, ये क्या है 23x माइनस 10y माइनस के 2z प्लस के 48 इक्वल टू 0, एंड द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स इज इक्वल टू दिस। अब जो दूसरा प्लेन है देखो, उसमें दो लाइन है और मेरे को इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आपको पता होना चाहिए दोनों प्लेन जो है अगर उनके बीच की डिस्टेंस तभी काउंट करते हैं हम जब वो दोनों प्लेन पैरेलल होते हैं, राइट। अगर वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे और डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो प्लेन होगा वो डेफिनेटली इसके पैरेलल होगा, राइट। और इस प्लेन में ये दोनों लाइन आ रही है, ये दोनों लाइन इस प्लेन के अंदर ही ऐसे मान लो। तो आप ध्यान से देखिए, इस प्लेन पे एक पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है एंड इट इज -1, 3, -1, ये इस लाइन पे है, तो पक्का इस प्लेन पे भी होगा। और अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो आप यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो वही दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इस पॉइंट की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी है, तो वो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, एल इक्वल टू ये पॉइंट उठा के यहां डाल देंगे हम, तो मॉड ऑफ -23 उसके बाद 3 पुट करेंगे तो -30 और +2 +48 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 23 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और +2 स्क्वायर। चलिए जी सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये मिला करके देखिए 30 और 23 मिला के माइनस का हो गया अपने पास 53 और इधर 48 और 2 मिला के प्लस के 50 हो गए, तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 3 और नीचे अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 633। तो अगर अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो के का वैल्यू साफ साफ समझ में आता है 3। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, और ये देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म कॉमन टू टू एपी, दो एपी की कॉमन टर्म हमको बतानी है। और बड़ा आसान होता है ना, दोनों एपी की कॉमन टर्म जो होती है वो भी एपी में होती है और उसका कॉमन डिफरेंस दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4 और इसका कॉमन डिफरेंस है 7 और दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो आता है 28। यानी जो कॉमन डिफरेंस वाली सीरीज होगी उसका कॉमन, सॉरी, जो कॉमन टर्म वाली सीरीज होगी उसका कॉमन डिफरेंस होगा 28। अब उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो कुछ टर्म्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आती है, 3, 7, 11 है, इधर है 2, 9, 16, तो इनमें 4 ऐड करते जाओ आप और, तो 11 और 4 कितना हो गया 15 और 4 ऐड करेंगे 19 और 4 ऐड करेंगे 23 और करेंगे 27 एंड सो ऑन। थोड़ा सा इसकी टर्म बना के देखते हैं, ये 16 है, इसमें आप ऐड करिए 7, तो 16 और 7 23, ये लो जी आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 23 कॉमन टर्म हो गई इनकी। तो जो कॉमन टर्म्स होगी, कॉमन टर्म्स, राइट, उसका पहला टर्म तो होगा 23 और आगे क्या बनेगी, एक एपी बन जाएगी ऐसे, उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा 28। अब मुझे पता करना है कि इसमें कितनी टर्म आई, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो इसमें एन टर्म आई, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा ना, एन टर्म जो होगा वो डेफिनेटली इन दोनों नंबर से छोटा होना चाहिए क्योंकि वो इन्हीं में से कॉमन लिया हुआ है। तो हम ये कंडीशन लगा लेते हैं कि टी एन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 407। देखिए जो 407 से छोटा है वो 709 से तो ऑटोमेटिकली छोटा हो ही जाएगा, राइट, तो उस पर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एपी के एन टर्म का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 28, ये छोटा होना चाहिए 407 से। इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा एन लेस देन इक्वल टू 14.71, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू मिलेगी। यानी एन जो है
14 पॉइंट्स 71 से छोटा होना चाहिए. अब n तो नेचुरल नंबर है क्योंकि ये तो नंबर ऑफ टर्म बता रहा है, तो n का वैल्यू जो हम ले सकते हैं मैक्सिमम वो है 14, यानी मैक्सिमम इस सीरीज की 14 टर्म्स कॉमन होगी इन सीरीज में. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14. तो दोस्तों ये था डिस्कशन जेई मेंस के 9th जनवरी के इवनिंग शिफ्ट के पेपर का. आई होप यू लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.